नमस्कार दोस्तों, जैसे आप वीडियो के थंबनेल में देख सकते हैं कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे OMRS यानी कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक्स। ये सिस्टम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डिवीजन बिलासपुर में लगा हुआ है और ये बैपटेक कंपनी द्वारा इंस्टॉल एंड कमीशन किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको इस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर चार मेन जो है सब सिस्टम्स होते हैं, जिसमें पहला सिस्टम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है अकॉस्टिक वेयरिंग इंस्पेक्शन सिस्टम। ये सिस्टम साउंड वेव्स होता है और इसके अंदर जो सेंसर्स होते हैं एक हाउसिंग के अंदर ट्रैक के बोथ साइड में इंस्टॉल किए जाते हैं। ये सेंसर हाउसिंग के अंदर एक कवर द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं और जब ट्रेन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जब होता है और जब ये ट्रेन ट्रैक के ऊपर से पास होता है तो इसके अंदर एक वाइब्रेशन आता है। सपोज 20 से 25 किलोमीटर इसकी जो है टेस्टिंग लिमिट होती है, इस पर ये बैरिंग के डिफेक्ट्स को टेस्ट करता है। तो जब ये ट्रेन ट्रैक पे से पास होता है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इस टाइम शटर जो है बंद है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में ये शटर ओपन हो जाता है फॉर द सेफ्टी रीजन। इसको क्लोज, जैसे आपके शटर ओपन हो गया है, अब ये टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के लिए रेडी है बॉक्स। तो जब ट्रेन यहाँ से पास होती है इसके सामने से, तो हर पर्टिकुलर एक्सल के बैरिंग के साउंड को ये रीड करता है और उसको एनालिसिस करता है साउंड बेसिस पे। तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे क्या उसके अंदर पर्टिकुलर डिफेक्ट्स है बैरिंग के अंदर, उसको पूरा आइडेंटिफाई और एनालिसिस करके इस रिकॉर्ड को सेंट्रल कंट्रोल रूम में भेज देता है फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस एंड उस पर क्या एक्शन लेना है उसके लिए। ये जो है सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो जब सभी एक्सल्स की रीडिंग को पर्टिकुलरली ये चेक कर लेता है और ट्रेन क्लोज हो जाता है, तो ये शटर जो है फिर अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो देख सकते हैं कि आफ्टर कुछ डिस्टेंस जब जाने के बाद में ट्रेन के ये शटर जो है इसका बंद हो गया है, इस सेंसर्स का। तो अब ये इसका ये काम ख़त्म हो गया इस। तो दोस्तों, अब सेकेंड सिस्टम जो होता है इसके अंदर WCM कहलाता है, व्हील कंडीशनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें जो है 6 सेंसर्स होते हैं जो ट्रैक के साथ में माउंट किए जाते हैं और ये जो सेंसर्स होते हैं चेक करते हैं व्हील की फ्लैटनिंग, यानी कि जब व्हील की प्रोफाइल के अंदर फ्लैटनिंग, व्हील सेलिंग या कोई भी डिफेक्ट आता है तो उससे क्या होता है, जब व्हील रन करता है ट्रैक पे तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है और उस इम्पैक्ट को ये आइडेंटिफाई करता है कि किस पर्टिकुलर व्हील के अंदर कौन सा डिफेक्ट्स है। साथ ही साथ ये कंट्रोलिंग सिस्टम जो है मॉनिटर करता है कि व्हील पर्टिकुलर व्हील के ऊपर कितना वैगन का कितना लोड है और लोड जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अनइवन है। तो इस टाइप की पूरे डाटा को ये एनालिसिस करता है और ये इस टाइप से सिस्टम को भेज देता है रिकॉर्डिंग पर्पस से। आप देख सकते हैं ये येलो कलर के जो सेंसर्स हैं ये ट्रैक के साथ माउंट किए गए हैं और जो व्हील की डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका इम्पैक्ट किस हिसाब से पड़ रहा है, उसका साउंड को और उसके इम्पैक्ट लोड को एनालिसिस करके ये रिकॉर्ड जो है आपका कंट्रोल रूम में भेजा जाता है कि किस पर्टिकुलर व्हील्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये सब सिस्टम बताता है ये सिस्टम। OMRS के अंदर जो थर्ड सिस्टम होता है वो है RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वैगन्स और रेलवे कोचेस। तो ये सिस्टम एक्चुअली एक चिप हर कोच पे रहता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, वायरलेस जो है कनेक्टिविटी होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी से। और आप देख सकते हैं सिस्टम लगा हुआ है और ये दोनों साइड ट्रैक के बोथ साइड में रहता है और ये चिप को रीड करता है, उससे जो है वैगन की मेंटेनेंस हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा पर्टिकुलर वैगन कब मेंटेन हुआ था, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, ये सब जो है रिकॉर्ड है मेंटेन किया जाता है। और जो फोर्थ सिस्टम होता है वो होता है मशीन विजन सिस्टम। इस मशीन विजन सिस्टम कोच के नंबर या वैगन के नंबर को आइडेंटिफाई करके उसके डाटा को रिकॉर्ड रखता है।
और ये भी जो है रिकॉर्ड जो है सेंट्रल कंट्रोल रूम में भेज दिया जाता है। तो ये आप देख रूम टाइप का दे सकते हैं, एयर कंडीशन जो है ओएमआरएस जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं उसके एक सील्ड है सेल्टर है, और जहाँ पे कंप्यूटर और पावर बैकअप वगैरह लगा रहता है, तो जहाँ पर कभी कभी सुपरवाइजर जो है विजिट भी करते रहते हैं। और ये सारा जो अभी हमने सिस्टम देखा उसका सारा रिकॉर्ड और डाटा जो है कंट्रोल रूम, जहाँ डिवीजन के कंट्रोल रूम में आता है वहाँ एनालिसिस किया जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर रैक के अंदर या उसके कोचेस या वैगन के अंदर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रेड सिंबल आ रहा है और वो एक आइडेंटिफाई करता है, उसको सिग्नल देता है कि इस पर्टिकुलर वैगन के अंदर, इस एक्सल बैरिंग के अंदर प्रॉब्लम है या इस व्हील प्रोफाइल के अंदर डिफेक्ट्स है, तो उसको अटेंड किया जाए। तो दोस्तों इस तरीके से ये OMRS सिस्टम है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है, काम करता है। और इससे जो है इजी होता है किसी भी डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो सिस्टम है, ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन पर्पस से यहाँ पे दिखाया है, आपको पसंद आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। धन्यवाद दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।